अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सी एस एस। मैं हूँ सत्यांत चिमल और आज भी हम बात करेंगे एफ आई ए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ दोस्, लेकिन एक दो लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स ई डी एस मैथ्स वगैरह का आपने बता दिया, पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का भी बता दें कि उनको प्रिपेयर किस तरह से करना है। सो पहले तो मैं मैथ्स का लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन आई थॉट के पहले ये काम ज़रा कर लिया जाए, उसके बाद ही फिर मैथ्स को एक ही दफ़ा हम दोबारा से चलाना शुरू कर देंगे। तो आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर बात करेंगे, फिर कल आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह इस्लामियात के ऊपर भी। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरा गला अगर आपको ख़राब लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि रोज़ा भी है और रोज़े में गला खुश्क भी हो जाता है, तो ये भी बात है। और दूसरी बात यह है कि पीछे अगर पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन काफ़ी शदीद बारिश हो रही है इस टाइम लाहौर में। मैं अपनी बारिश का मज़ा जो है वो किरकिरा करके वो छोड़ के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। सो आपको चाहिए कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ में 13 से 14 नंबर ले लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ए डी एफ आई ए के एग्ज़ाम में, ठीक है जी। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसमें ऑलमोस्ट 80, 81, 82 इसके अराउंड मेरिट रहता है। बेहतर है कि आप अपर साइड पे जाने की कोशिश करें, 83, 84 वाली साइड पे रहेंगे तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, आपका स्क्रीनिंग में पास होने का चांस ज़्यादा बन जाता है, ठीक है जी। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा। अगर आपको नहीं पता तो मैं पी एम एस क्वालिफायर हूँ, ए डी एफ आई ए दो दफ़ा क्वालिफाई किया है, इसके अलावा ए डी एम ओ डी मैंने क्वालिफाई किया है, साइकोमेट्रिक उसका दे चुका हूँ मैं, और इसके अलावा इंस्पेक्टर एफ आई ए भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो प्रिपरेशन सोर्सेज पे आ जाते हैं पहले, इसके बाद एरियाज को डिस्कस कर लेंगे। छोटी वीडियोज होंगी होपफुली, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा लंबी नाम बनाऊँ मैं। तो प्रिपरेशन सोर्सेज में आपके लिए दो प्राइमरी सोर्सेज हैं जी, एक तो पाक एमसीक्यूज है और दूसरा है जी पीपीएससी मॉडल पेपर्स। पीपीएससी मॉडल पेपर्स ना सिर्फ आपको पीपीएससी के एग्जाम्स में और पीएमएस के हवाले से पास कराने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो आपकी इस तरह की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा ऑगमेंट कर देते हैं या फिर सप्लीमेंट कर देते हैं कि जो एरियाज आपके दूसरी जगहों से नहीं कवर हो रहे वहाँ, उसके लिहाज से भी आपको इस पीपीएससी मॉडल पेपर से एम सी क्यूज मिल जाते हैं, काफ़ी सारे एम सी क्यूज रिपीट होते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये दोनों मेरे प्राइमरी सोर्सेज हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये तो लाजमी करने हैं, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी कारवान जी के कम्प्रीहेंसिव। कारवान जी के कम्प्रीहेंसिव की बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें एक पर्सनल स्टडीज़ का अलग से पोर्शन बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारा मटीरियल है, अब मुझे याद भी नहीं है सारा। खैर उसमें पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस से करें, क्योंकि आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो उनमें से दोबारा कुछ रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा वन पेपर एम सी क्यूज बुक है जी इम्तियाज शाहिद की, उसमें भी पाकिस्तान स्टडीज़ का अलग पोर्शन बना हुआ है, उधर से भी आप कर सकते हैं। जी के नोट्स पी पी एस सी एफ पी एस सी जो है इस ये एक्चुअली मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे ही रखे हुए हैं, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मे बी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे मौजूद है, अगर नहीं है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मौजूद है हमारी गूगल ड्राइव का, तो उधर से आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जी के नोट्स जो हैं ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, कंप्यूटर के लिए, एवरीडे साइंस के लिए, इस्लामियात के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, उसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए, मेजर बुक्स जो हैं या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके हवाले से भी, इसको आपने नहीं छोड़ना कभी भी। तो ये थे जी प्रिपरेशन सोर्सेज। आगे आ जाते हैं जी एरियाज टू कवर, कौन कौन से एरियाज आपको कवर करने चाहिए ताकि आप पाकिस्तान स्टडीज़ की अच्छी तैयारी कर सकें। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ज़ाहिर है हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ आने का इम्कान तो होता ही है, बट ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर वन प्री पार्टीशन हिस्ट्री आपने कवर करनी है, मुगल इरा से ऑनवर्ड, ज़्यादातर मुगल इरा से ऑनवर्ड जाए, लेकिन अगर उससे पहले भी देखें तो मोहम्मद इब्न कासिम पर भी आते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के ही कॉन्टेक्स्ट में एक दो और सवाल आ जाते हैं जी के यहाँ पे लोधी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी वगैरह काफ़ी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुराने, ठीक है, और उनमें से रेयरली है कि हर 3-4 टेस्ट बाद कोई एक आधा एम सी क्यूज आता हो एफ पी एस सी के टेस्ट में, जबकि जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री मुगल इरा ऑनवर्ड है उनमें से हर टेस्ट में एक आधा एक दो जो है इस तरह के आ जाते हैं जी के बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुई थी,
बाबर जो है वो किसका बाप था या बेटा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कब कब बने हैं, कब एनफोर्स हुए हैं, कब उस किस कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, 18th अमेंडमेंट कब हुई, 17th कब है, 13th कब है, 8th अमेंडमेंट कब है, 7th कब है, PCO कब आया, इस तरह के एमसीक्यूज़ है। ठीक है जी, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं जी, पाकिस्तान का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है और उसकी लेंथ कितनी कितनी है, ये सारा कुछ है। और पाकिस्तान के माउंटेन्स, रिवर्स, डैम्स, डेजर्ट्स, ये सारे जो जोग्राफी रिलेटेड हैं, डैम्स और इसके अलावा बैराजेस भी इसमें आ जाते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, डैम सबसे बड़ा कौन सा है, कब बना था वगैरह वगैरह, इस हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, हर दूसरे टेस्ट में आए होते हैं। फिर जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट प्रोविंस के, पाकिस्तान की डिवीजन्स एक इस हर सूबे की डिवीजन्स कितनी है और उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, 2 साल पहले तक ये कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो चुकी हैं, जो पंजाब है उसमें भी काफ़ी सारी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो गई हैं और तहसील्स भी, तो वो नंबर अब वेरी करेगा। अब आपको अपडेटेड अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना चाहिए, अगर आपकी बुक जो है 2023 से पुरानी है तो उसमें शायद वो अपडेटेड नहीं होगा और फिर आप गलत कर रहे हैं, सो बेहतर है कि आप अपडेटेड अपनी बुक के ऊपर ही लिख लें ताकि आपको याद हो कि मैंने इसी को याद करना है। चलेंगे, फर्स्ट इन पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ, गवर्नर्स, CMs, चीफ जस्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, चीफ ऑफ दूसरे जो हैं लाइक नेवल चीफ कौन से थे, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल कौन से थे पहले, पहले एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान के पहले, अब जो एयर चीफ नेवल चीफ वगैरह जो हैं पाकिस्तान के पहले जो है वो मुस्लिम नहीं थे, वो ब्रिटिश थे। ठीक है, लेकिन बाद में वो मुस्लिम बने, तो पहले मुस्लिम का क्या नाम था, वो कहाँ से था वगैरह वगैरह, और इसी तरह जो करंट चल रहे हैं आपके चीफ्स और गवर्नर्स वगैरह उनका क्या कितना नंबर है, फॉर एग्जांपल इमरान खान था तो वो 22nd प्राइम मिनिस्टर था, इसके बाद 23rd है जी शहबाज शरीफ। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट डेज इन पाकिस्तान, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं, मदर लैंग्वेज डे है, कश्मीर डे है, पुलिस डे है, एयरफोर्स डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे, तो वो भी आप याद करेंगे। पाकिस्तान के मिसाइल्स और उनके रेंजेस कितनी कितनी हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से मिसाइल हैं और उनकी रेंज कितनी कितनी है, इसको देखिएगा। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स को देखना है कि आपने ऑपरेशनल और एज वेल एज नॉन ऑपरेशनल, मिलिट्री में ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल होते हैं बेसिकली, ज़्यादातर अवार्ड जो है वो 23 मार्च को दिए जाते हैं हर साल, जो कि सदर पाकिस्तान देता है जी, और यस यू शुड डू इट। और पाकिस्तान जो मिलिट्री अवार्ड हैं स्पेसिफिकली उसमें निशाने हैदर, सितारा है, जुर्रत वगैरह जो हैं इन ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह जो सिविल अवार्ड हैं ये हर साल जो है आते हैं, या जो सदर पाकिस्तान देता है जी, कि इस साल 128 लोगों को मिल गया, इस साल निशाने पाकिस्तान जो है वो कितनों को मिला है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को देखिएगा। फिर जी करेंसी नोट्स एंड देयर पिक्चर्स, ये बड़े फेमस एमसीक्यूज़ हैं कि 20 रुपए के नोट के ऊपर कौन सी पिक्चर है, 5,000 के ऊपर कौन सी है, 500 के ऊपर कौन सी है, और अब 75 का भी जारी हो चुका है उसके ऊपर कितनी है। खैर 75 वाला आजकल तो चल नहीं रहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी ये लोग लेते नहीं हैं, मुझे बताइएगा कि आपका आपके पास है 75 का नोट, और अगर है तो क्या वो चलता है कि नहीं चलता। अच्छा जी, एयरलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन सी एयरलाइंस कब बनी, या पहली एयरलाइन कौन सी थी, इस वक्त कितनी है, और ऑर्गेनाइजेशन लाइक पाकिस्तान पेल है या फिर ऑयल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, स्टील मिल्स है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो वो कब बनी, या उनके जो CEO हैं या DG हैं, डायरेक्टर हैं, क्या है वो उनके नाम के हैं करंट जो। फिर बैंक्स इन पाकिस्तान है ऑफ कोर्स, कि पाकिस्तान का पहला बैंक कौन सा था, तो पहला जो है वुमेन डेवलपमेंट बैंक कब बना, फिर पहला बैंक कौन सा था जिसने पाकिस्तान को कर्जा दिया वगैरह वगैरह। और ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज लाइक साहिवाल का आप देख रहे हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, इन सब के
पुराने नाम क्या हैं, नए नाम तो आपको पता ही है, फैसलाबाद है, लायलपुर जिसका पुराना नाम था, तो उनके पुराने नाम भी आप याद करेंगे। और बुक्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर मेजर बुक्स कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो ये है मेजर एरिया जो कि आपको कवर करने चाहिए पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए, सॉरी। एंड आई होप कि दिस शुड कवर अलॉट। अगर आप ये सारे एग्जॉस्टिवली या फिर बहुत अच्छे तरीके से कर लेते तो इससे भी आप शायद 13-14 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बेहतर है कि आप पाक अफेयर्स पाकिस्तान स्टडीज जो है उसको तरतीब से लेके चले, पाक एमसीक्यू से ही लेके चलते हैं, तो तरतीब से आप चलते जाते मिक्सअप होते जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है, आप बोर नहीं होते एक चीज़ से, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस फॉर यू। आप रिवीजन वगैरह के लिए जीके नोट्स वाली जो फाइल है उधर से रिवाइज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान की बुक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप इनको एक्सप्लोर कर देखें आपको मज़ा आएगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ते रहे हैं, जो मेरे से मशवरे लेते हैं, उनको मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि ये एक गोल्डन फाइल है, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी अगर आप इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं तो। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, आई होप कि यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड मे दिस हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। कोई और सवाल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।